इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के बाद ट्विटर बैकफुट पर आ गया है। भारत सरकार का कड़ा रुख देखते हुए ट्विटर ने फौरन उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक बहाल भी कर दिया है। इस मामले में अब ट्विटर ने एक सफाई भी जारी की। ट्विटर ने अपनी सफाई में कहा कि वेंकैया नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से एक्टिव नहीं था और लंबे समय तक अकाउंट के एक्टिव नहीं रहने पर ब्लू टिक हटाने का नियम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, वेंकैया नायडू का अकाउंट अनवेरिफाई कर दिया गया। भारत सरकार की नाराजगी और लगातार इस खबर को प्राथमिकता देने के बाद अब ट्विटर अकाउंट वेरीफाई कर दिया गया है। ट्विटर ने वेंकैया नायडू का यह पर्सनल अकाउंट एक बार फिर से वेरीफाई कर दिया है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी यह भी कह रही है कि ट्विटर के ऐसे कदम पर उसे माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अलावा आरएसएस नेता अरुण कुमार, सुरेश भैया जी जोशी और सुरेश सोनी के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया था, यानी इनके अकाउंट को अनवेरिफाई कर दिया था। संवाददाता आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। आनंद, आपके पास और क्या जानकारी, पहले हटाया क्यों और अब वेरीफाई क्यों? देखिए, ट्विटर का कहना है कि ट्विटर की जो पॉलिसी है कि अगर कोई अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं है 6 महीने से ज्यादा तो हम उसको अनवेरीफाई कर देते हैं। और साथ ही साथ ट्विटर का कहना ये है कि अगर हम किसी को ब्लू टिक देते हैं और अगर वो उस पद से हट जाता है तो भी हम उसका ब्लू टिक वापस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला है वो दूसरा है। वेंकैया नायडू न तो सरकार से जुड़े हैं न ही किसी पार्टी से, वो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, नंबर दो की हैसियत संवैधानिक हायरार्की में रखते हैं। और ऐसे में अब बिना उनको बताए, बिना उनसे पूछे अगर आप ब्लू टिक हटाते हो तो जाहिर तौर पर इस बात को मंत्रालय ने और सरकार ने खासे गंभीरता से लिया और उसके बाद मंत्रालय सख्त रूप अख्तियार किया है। और जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक नोटिस भी ट्विटर को भेजने जा रहा है कि आप ऐसा करके कहीं ना कहीं भारत की जो संवैधानिक गरिमा है उसके साथ आप खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। बिना बताए अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अकाउंट को अनवेरीफाई करते हो तो इसको भारत सरकार हल्के में नहीं ले सकती। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो वेरीफाई किया जाता है उसमें बड़ी वजह यह होती है कि उस अकाउंट का, उस नाम का, उस पद का कोई मिसयूज ना कर सके, इसलिए उस अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है। तो ऐसे में ट्विटर का जो एक कदम था, हालांकि ट्विटर ने अपनी गलती को मानते हुए फिर से रिस्टोर कर दिया है, उनका जो ब्लू टिक था वो वापस किया, उसको वेरीफाई फिर से कर दिया है, लेकिन जो ये कदम ट्विटर ने उठाया था, जो एक गलती की थी उसको भारत सरकार हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि अभी ताजा बात करें इसके पहले भी हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं लगातार ट्विटर जो है केंद्र सरकार की जो आईटी पॉलिसी है जो 25 फरवरी को जारी की, तो सरकार क्या, सरकार अब क्या कह रही है, सरकार क्या चाहती है कि ट्विटर अब क्या करे, माफी मांगे या और किस तरीके के कदम की अपेक्षा सरकार कर रही है ट्विटर से? देखिए, ट्विटर को आईटी मंत्रालय कुछ देर में एक नोटिस भेजने जा रहा है, उससे पूछा जाएगा कि आखिर आप जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं या फिर जो बीजेपी से बड़े नेता है या फिर जो तमाम से बड़े जो समाज के बड़े ओहदे के लोग हैं उनके अगर आप ट्विटर को अनवेरीफाई करते हो तो आप बिना उनसे पूछे क्यों अनवेरीफाई करते हो, उनकी उसकी प्रक्रिया क्या होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये एक तरफा नहीं हो सकता। इन तमाम बातों को लेकर आईटी मंत्रालय ट्विटर को नोटिस भेजने जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहेगा कि आपको ये भले लगता हो कि आप भारत में आप बिजनेस करते हो, यहाँ से कमाते हो, लेकिन आप बैठे कहीं और, ऐसा भी नहीं चलेगा, आपको भारत सरकार के कानून को मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इससे पहले भी रविशंकर प्रसाद कई मर्तबा ये बात बोल चुके हैं कि ट्विटर भारतीय कानून, भारतीय संविधान को समय समय पर चैलेंज करता आया है और तनातनी भारत की सरकार, आईटी मंत्रालय और ट्विटर के बीच में बनी हुई है। ऐसे में इस ताजा घटना के बाद संबंध और ज्यादा खराब होंगे, और ज्यादा तनातनी होगी। देखिए, भारत सरकार साफ तौर पर कहना कि भारत में अपना बिजनेस कर रहे हो, आप यहाँ से करोड़ों अरबों की कमाई कर रहे हो तो आपको यहाँ के रूल्स, यहाँ के संविधान को, यहाँ के कानून को मानना पड़ेगा। आप ये दलील नहीं दे सकते कि आप अमेरिका में बैठे हुए हो, आपका सारा जो सर्वर है वहां पर है, आपका सारा स्टाफ है, ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से कमा रहे हो तो आपको यहाँ के कानून का भी पालन करना पड़ेगा। और इसलिए जो आईटी रूल जो नोटिफाई किए गए थे उसमें था कि आपको भारत में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देना है, आपको एक अधिकारी की नियुक्ति करनी है और साथ ही साथ एक कॉम्प्लायंस अफसर के ग्रीवांस रिजिस्टर सिस्टम की व्यवस्था करनी है। पूरा आईटी रूल्स को जो नोटिफाई किए गए थे ट्विटर ने
अभी तक नहीं माना, बाकी जो इंटरमीडियरी जो सोशल मीडिया बिल्कुल अन बने रही है हमारे साथ इस वक्त पवन दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम एक बार उनसे चर्चा कर लेते हैं। पवन जी, आप ये बताएं कि पहले तो ये एक ऑटोमेटेड मिस्टेक हुई है ट्विटर से, या फिर ये जानबूझकर की गई हरकत लगती है? क्योंकि जितना मैं पढ़ पा रही हूं और समझ पा रही हूं, ट्विटर अगर किसी अकाउंट को अनवेरीफाई करने वाला होता है तो वो एक मेल जनरेट करता है जिसमें वो ये बताता है कि वो ऐसा क्यों करने वाले हैं, और उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। लेकिन यहां पर तो ट्विटर अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया गया। देखिए, अगर आप इवन भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 पर नजर डालें, जो 25 फरवरी 2021 से लागू हुए हैं, इन सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बार आपको सो कॉल्ड नोटिस देना पड़ेगा कि देखिए आपका कंटेंट जो है या आपका अकाउंट है, इन वजहों की वजह से हम ब्लॉक करने वाले हैं या कंटेंट को रिमूव करने वाले हैं, तो आपको हम इत्तला दे रहे हैं, सो दैट अगर उनको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो वो उसकी अपील कर सकते हैं और फिर रिप्रेजेंटेशन दाखिल कर सकते हैं, अदालत जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना कोई किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दिए बगैर, किसी को सुनवाई किए बगैर अगर किसी अकाउंट को छेड़खानी करते हैं, बंद करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो लाजमी सी बात है उनके अधिकारों का हनन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो, जैसे आपके अकाउंट में कुछ ऐसी चीज प्रकाशित हो रही है जो भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी के संदर्भ में अगर आप कुछ लिख रहे हैं और इन ग्राउंड्स पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो शायद इन सर्विस प्रोवाइडर्स आपको तुरंत आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं और बाद में आपको नोटिस दे सकते हैं। तो वो तो केस टू केस बेसिस पर निर्भर होगा। इस केस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं, नहीं, नहीं है। लेकिन पवन जी, मैं इसलिए आपसे ये समझ रही हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपसे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।